भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों विटामिन ए की कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी एजुकेशन की जरूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मूंगफली हो, वहां के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहां के बच्चे अंधे हो जाएं विटामिन ए की कमी से, और वो भी एक दो नहीं 40,000। और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के, या 50,00,000 बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना, वो और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज इस देश में मिलती है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहां जानवरों की संख्या नहीं है, वहां पर विटामिन ए की कमी से हजारों बच्चे अंधे हो जाए, तो एक बार को समझ में आता है। भारत जैसे देश में जहां प्रचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है, वहां अगर हजारों बच्चे 40,000 अंधे हो जाएं, तो ये बहुत दुख होता है, धक्का लगता है दिल को। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में, तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10-12-15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का, अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं, जितने तरह के फल मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है, तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं। और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे, हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं, और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में, और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाजार से खरीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियां ले आते हैं, कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियां आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत किसी को, चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में, अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको, पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ, ये चूना खाने के लिए है। हाँ, बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ, उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है।
और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो बीसियों तरह के उद्योग में जा रहा है, वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से। कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर्क करेगा, तुम क्या डॉक्टर हो, तुमको क्या मालूम है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से, एक तो परंपरा से आई हुई है बात, चूना उसके दादाजी खाते थे, दादाजी के दादाजी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने, फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में। फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सैंडोज की गोलियां खा खाकर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना, क्योंकि आप जानते हैं सैंडोज जो है विदेशी कंपनी है, उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है, और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में गैर जानकारी में हो रहा है। अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है, वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन, किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए, थोड़ी शिक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए, ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे। बहुत दुख होता है कि भारत में 60-70% बीमारियां खराब पानी के कारण है, गंदे पानी के कारण है। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है, हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है, आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण है। तो ये साधारण साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें, शिक्षित करते रहें, तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं।